नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नगर के भोला गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए कहा कि अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय कार्य समिति का चुनाव विंध्याचल में होगा, जिसमें अखंड भारत से लोग आना शुरू कर दिए हैं। संयोजक रमेश अग्रहरी ने मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का मतदाताओं से पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से मतदाता विंध्याचल पहुंचने लगे हैं। इस चुनाव में पूरे देश के आजीवन पत्रिका सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बताया कि 20वां केंद्रीय कार्य समिति का चुनाव सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सकुशल संपन्न कराने हेतु अग्रहरी समाज रजिस्टर्ड चुनाव समिति के चुनाव संयोजक रमेश अग्रहरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में यूपी के 16 सीटों पर अग्रहरी समाज और 400 सीटों पर वैश्य समाज जीत हार में निर्णायक साबित। राजनीतिक दलों को इस अनुपात में अग्रहरी एवं वैश्य समाज के सामाजिक एवं राजनीतिक सक्रिय लोगों को अवसर देना चाहिए और हम समाज की ओर से पुरजोर मांग उठा रहे हैं। जो भी राजनीतिक दल हमें महत्व देंगे, उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अग्रहरी समाज के पिछड़ी जाति में शामिल कराने की कार्यवाही चल रही है। शीघ्र ही हमारा समाज पिछड़ी जाति में शामिल होगा। चुनाव संयोजक श्री अग्रहरी ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त शिव कुमार अग्रहरी कलकत्ता एवं चुनाव आयुक्त के रूप में सुरेश चंद्र अग्रहरी एवं तरुण कुमार गुप्त अग्रहरी को पूर्व में ही नामित किया है। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु व्यवस्था समिति का गठन किया गया है। देश के विभिन्न राज्यों से 100 पीठासीन अधिकारी, 20 मतदान अधिकारी और 8 रिजर्व मतदान अधिकारी बनाए गए हैं। मिर्जापुर से हरीश चंद्र की रिपोर्ट। रमेश अग्रहरी, प्रदेश अध्यक्ष अग्रहरी समाज उत्तर प्रदेश। हमारा अग्रहरी समाज केंद्रीय संगठन है, जो पूरे भारतवर्ष में 13 प्रदेशों में हमारा ये संगठन है। उसका कल चुनाव संपन्न होना है विंध्याचल के पावन धरती पर। उस चुनाव में हमारे 13 प्रदेश के लोग भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। हमारा ये बहुत पुराना संगठन है। इस संगठन में हमारे लगभग आजीवन पत्रिका के काफ़ी संख्या में सदस्य हैं। संविधान के अनुसार आजीवन पत्रिका ही हमारे पत्रिका के सदस्य ही हमारे क्रियाशील सदस्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया में हमारे पास 8 प्रत्याशी हैं। अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी, महामंत्री पद के लिए 2 प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रशासन से हमने अनुमति प्राप्त कर लिया है। होटल अभिनव अटल चौराहा पर यह चुनाव संपन्न होगा। जितने भी लोग आ रहे हैं इसमें मतदान करने के लिए, उनके आने जाने की अपनी व्यवस्था है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम चुनाव मतदान कराने के लिए वहां पर जो प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली है वही व्यवस्था हम कर रहे हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।